हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब करने अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात लेते हैं, यहाँ पर 3 साल से नहीं आ रही अंग्रेजी विषय की शिक्षिका, तो यहाँ पर कोटद्वार की बात है जिसमें बीरोखाल के अंतर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय GUI की अंग्रेजी विषय की शिक्षिका 3 साल से अनुपस्थित चल रही है। इस क्षेत्र पर जो है क्षेत्रीय लोगों में रोष व्याप्त है। अभिभावकों ने DM और DO को पत्र लिखकर अंग्रेजी विषय के अध्यापक की नियुक्ति करने की मांग की है। तो राजकीय जो उत्तर मध्य विद्यालय है GUI, इसका जो है मामला है, इसमें यहाँ पर 3 साल से अध्यापिका नहीं आ पा रही है और इसी को लेकर जो है अभिभावकों ने मांग उठा रही कि ताकि यहाँ पर इनके पद भर दिया जा सके। और वहीं बात करें यहाँ पर वित्त विहीन स्कूलों को पूर्ण अनुदान दे सरकार, तो यहाँ पर प्रोत्साहन राशि का जो है शासनादेश रद्द करने की मांग, और कहा है कि सरकार अशासकीय वित्त विहीन विद्यालयों के लिए प्रोत्साहन राशि के शासनादेश को रद्द कर विद्यालय को जो है पूर्ण अनुदान दें। यह कहना जो अशासकीय वित्त विहीन स्कूल संगठनों का कहना है। और इसमें कहा गया है कि प्रांतीय कार्यकारिणी की हुई सर्जनजीत इंटर कॉलेज भारूवाला में बैठक में चर्चा हुई और इसमें जो है बताया गया कि प्रोत्साहन सरकार दे, ऐसा कहा गया है। और वहीं यहाँ पर अपना नेता चुनने का जो है सभी शिक्षकों को मिलेगा अधिकार, तो 24,000 से अधिक जो है शिक्षक राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव में कर सकेंगे प्रतिभाग। बताइए, ब्लॉक से जो है वो प्रदेश स्तर तक के चुनाव एक साथ कराने की है योजना, तो यहाँ पर ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश तक की जो चुनाव है एक साथ होने वाले हैं, इसमें शिक्षकों को भी यहाँ पर जो है मौका मिलेगा। और वहीं यहाँ पर वित्त विहीन स्कूलों के लिए जो प्रोत्साहन राशि का जो शासनादेश रद्द करने को लेकर बताया गया है, ई ग्रंथालय से घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे विद्यार्थी, तो अब ई ग्रंथालय से घर पर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के DSP परिसर में स्थित JB पंत पुस्तकालय में विद्यार्थी को जो है ई ग्रंथालय की सुविधा जल्द मिलेगी। ई ग्रंथालय शुरू होने से यहाँ बताया गया है कि एक क्लिक जो छात्रों को जो सभी पुस्तकें को यहाँ पर जानकारी मिल सकेगी। और वहीं यहाँ पर देश विदेश में रहकर भी विद्यार्थी और शोधार्थी और शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से जो है इसका लाभ ले सकेंगे, तो ये सारी सुविधाएं मिलने वाले हैं इनके लिए। यहाँ पर लिस्ट बना के ये चीज़ें मिल जाएंगी इनके लिए और कह रखा कि ये सुविधाएं यहाँ पर ऑनलाइन दी जाएंगी। बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सर्वोच्च चयन आयोग की द्वारा, तो आप जो 31 दिसंबर को एग्जाम हुआ था आपका, जिसमें BPDO और सहायक समाज कल्याण अधिकारी अन्य पद रखे गए थे स्नातक स्तरीय, उसका जो यहाँ पर अभी टाइपिंग है वो टेस्ट होना है। उसके लिए 5 सितंबर तक बताया गया कि 5 सितंबर से आपका जो टेस्ट है टाइपिंग टेस्ट वो करा दिया जाएगा, इस तरह का यहाँ पर आदेश यहाँ पर आया हुआ है। बात करते हैं मेडिकल कॉलेज में 56 प्रोफेसरों को पदोन्नति का तोहफा, तो यहाँ पर कई राजकीय मेडिकल कॉलेज में दी गई तैनाती, 20 फैकल्टी को जो है दूर मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है और 56 प्रोफेसरों को जो है पदोन्नति का तोहफा मिल चुका है। मुख्य सचिवों की जो है राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त, तो यहाँ पर नीति आयोग द्वारा यहाँ पर मुख्य सचिवों को की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की तैयारी के चलते उत्तराखंड सरकार ने IAS और अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किया है। बात करते हैं यहाँ पर सशल दल कर्मियों और निरीक्षकों के जो तबादले, उसमें जो है बताया गया कि परिवहन आयुक्त ब्रजेश कुमार असंत ने जारी किया तबादला आदेश, और परिवहन विभाग में मंगलवार को बड़ी संख्या में जो है संभागीय जो निरीक्षक हैं उनके तबादले कर दिए गए और संचालन दल हैं उनके भी तबादले हो चुके हैं। सभी प्रमाण पत्र होंगे आधार से लिंक, तो यहाँ पर जो है अपनी सरकार के माध्यम से सब से मिलने वाले जो प्रमाण पत्रों के लिए जो है जल्द शुरू होगी नई व्यवस्था। तो नई व्यवस्था होनी है आधार पर जो है कितने प्रमाण पत्र तुरंत जो है चल जाएगा पता, ऐसा बताया गया है। और वहीं यहाँ प्रदेश में एक साथ नहीं होंगे निकाय और पंचायत चुनाव, तो यहाँ पर प्रदेश में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ नहीं होने की बात करी गई है। 25 अक्टूबर तक जो है यहाँ पर निकाय चुनाव करा दिया जाएगा। और वहीं यहाँ पंचायत राज विभाग के अफसरों के मुताबिक जो है अक्टूबर तक जो है पंचायत चुनाव जो है कराना संभव नहीं है। और वहीं बात करें बच्चों को जो है लगा करंट प्रभारी प्रधानाचार्य को किया निलंबित, तो यहाँ पर देखते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेमपुर के जो है जर्ज भवन में जाने से आंगनबाड़ी के 3 वर्षीय छात्र को जो है 17 अगस्त को करंट लग गया था। हालांकि बच्चों की हालत सही है और BO भानु प्रताप कुशवाहा की जो है जांच रिपोर्ट के बाद जो है DU बेसिक
हरिंद्र कुमार मिश्रा ने जो है प्रभारी प्रधानाध्यापक के निलंबित के लिए जो है आदेश जारी कर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर कार्यालय प्राचार्य शोभन सिंह जीना की आयुर्वेदिक इन संस्थान अल्मोड़ा यहाँ पर वॉक इंटरव्यू निकाला गया है। इसमें पद रखा गया है संविदा के आधार पर जो कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल ऑफिसर के पद है और इसे जो है 3 वर्ष तक रखा जाएगा नियमित रूप बताया गया है। और 2 सितंबर तक जो है आवेदन कर सकते हैं, वॉक इंटरव्यू होगा 2 सितंबर को और वेबसाइट अभी जारी किया गया, चेकआउट कर सकते हैं और एड्रेस भी चेकआउट कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर रोजगार हेतु विज्ञापन है देहरादून, तो यहाँ पर हाउस ऑफ हिमालयाज लिमिटेड उत्तराखंड सरकार की ओर से पहल है जिसके अंतर्गत जो है महिलाओं के समूह समूह किसानों शिल्पकारों आदि के द्वारा जो है तैयार उच्च गुणवत्ता के हिमालयी उत्पादों को प्रोत्साहन किया जाएगा। इसमें प्रोत्साहन की बात करें जिसमें इनको अवसर मिलने हैं तो इनके नाम लिखे इन पदों पर जो है नौकरी करने का अवसर मिल सकता है और बाकी आप naukri.com पर जो है सर्च कर सकते हैं बताया है। और वहीं यहाँ पर रोजगार हेतु विज्ञापन देहरादून, तो यहाँ पर देखते हैं कि मैनेजर हैं और एग्जीक्यूटिव के हैं तो 4 पोस्ट यहाँ है और 8 पोस्ट यहाँ रखे गए हैं। इसके लिए जो साइट है यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं इन पदों के लिए। और 25 अक्टूबर तक जो है संपन्न करा लेंगे निकाय चुनाव। सरकार ने कहा कि 25 अक्टूबर तक जो है हम यहाँ पर निकाय जो चुनाव है वो करा लिए जाएंगे। सीधी भर्ती में भी यहाँ पर लागू होगा आरक्षण, UPSC ने निरस्त किया विज्ञापन। तो कहा कि केंद्र सरकार के शीर्ष पदों पर जो है लेटर एंट्री यानी सीधी भर्ती में भी जो है आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी और UPSC ने जो है सरकार के जो यहाँ पर आग्रह पर 45 पदों पर जो है सीधी भर्ती का विज्ञापन निरस्त कर दिया है। तो लेटर एंट्री के द्वारा जो भर्ती कराई जा रही थी उसको यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है, इस पर भी आरक्षण लागू होगा यहाँ पर कोर्ट ने कहा है। और उत्तराखंड में भी देख सकते हैं यहाँ पर नई भर्तियों में जो है राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षेत्रीय आरक्षण लागू, तो नई भर्तियों में लागू होना है और भर्तियों की जो है विज्ञापन से पहले जो है शामिल किया जाएगा आंदोलनकारियों का आरक्षण। तो आप देख सकते हैं कि नई भर्तियों में आरक्षण जो है विज्ञापन से पहले हो जाएगा और विज्ञापन आने से पहले पहले ये चीज़ें 10% आरक्षण होने वाला है क्योंकि ये लागू हो चुका है। और विधायी विभाग ने जो है जारी की अधिसूचना, आश्रितों को भी यहाँ पर देंगे आरक्षण का लाभ, जो आश्रित है उनको जो है 10% आरक्षण देने का बात करी गई है। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर, जॉब अलर्ट में देखते हैं पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 1027 पद निकाले गए हैं, 8 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं, 18 वर्ष की आयु रखी गई है, वेबसाइट जारी किया गया है। और कोंकण रेलवे में निकाले गए 190 पद और HURL में निकाले गए 25 पद, NPCIL में संभावना 382 पद निकाले गए हैं, 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं, IMU में निकाले गए 27 पद, नैनीताल बैंक लिमिटेड में निकाले गए हैं 25 पद, तो यहाँ पर नैनीताल में निकाले गए 25 पद, 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। और अन्य योग्यताओं के लिए आप यहाँ पर अन्य भर्तियाँ हैं जिसमें यहाँ पर नेशनल हेल्थ सिस्टम सोर्स सेंटर है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, यहाँ पर भी पोस्ट निकाल के इन पर भी ट्रैक कर सकते हैं।